डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट पर। राज में हम लोग आजकल पढ़ रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में एक पॉइंट और भी है जिसको हम लोग कहते हैं बूट एंड स्ट्रीम, यानी कि रेलगाड़ी पर और जो है जो सड़क पर जो वाहन चलते हैं स्कूटर कार बस, इन सब पर चलने के बाद अब हम लोग को पानी में भी चलना होगा। पानी में चलेंगे तो वहाँ पर मैंने कहा था कि इसमें जो सापेक्ष चाल होती है यानी रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाती है। जब कोई बोट नदी के साथ चलती है तब वह x प्लस वाई हो जाएगा, यानी दोनों चाल जोड़ दी जाती है, और जब उसके विपरीत चलता है तो चाल माइनस कर दी जाती है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कैसे सवाल बनते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसे कैसे लगाया जा सकता है, पढ़िए। देखा प्रकाश धारा के विपरीत 32 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, तो धारा की चाल बता दो। देखो अगर प्रकाश की चाल बताना होता, प्रकाश माने लड़के का नाम है, तो दोनों के चाल को जोड़कर आधा कर दिया जाता, और अगर धारा की चाल बताना है तो दोनों की चाल को घटा के आधा कर दिया जाता है। ये हम आपको बता चुके हैं हमारे वीडियो में। तो आप देखो धारा की चाल बराबर हो जाएगा, धारा की चाल कितना हो जाएगा, 44 प्लस 32 प्लस नहीं माइनस माइनस हो जाएगा। देखो 44 माइनस 32 बटा कितना हो गया भैया, 12/2। 12/2 कितना होता, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वह नाव चल रही, कितना है 6 किलोमीटर प्रति। अगर उस व्यक्ति का अगर चाल पत्र पूछा जाता यही 44 प्लस 32/2 कर देते, इतना छोटा प्रश्न होता है। आप देख लीजिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये रहा। स्थिर जल में एक नाव की गति 44 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक धारा की गति 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा के विपरीत की चाल बता दो। अच्छा बताओ, स्थिर अरे शांत जल में एक नाव 44 चल सकती, वह धारा की गति 26 चल रही, अब उसके विपरीत जाना है, तो भाई 44 में से 44 आप जाओगे 26 उसको माइनस कर देगा, भाई कितना हो जाएगा, 14 में से 6 घटाओगे 8, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मान लो उसको अपोजिट डायरेक्शन चलना है तो अपोजिट डायरेक्शन वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा जा पाएगा, अगर मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन जाना है जिधर नदी जा रही है तब 44 प्लस 26 हो जाएगा, लेकिन उल्टा जा रहा है तो चाल माइनस हो जाएगा। इतना छोटा सा मामला है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अजय 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति स्थिर जल में अपनी नाव चला सकता है, एक धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल 54 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग जाएगा। समय पूछा जा रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, बताओ दूरी कितना है 54 किलोमीटर और चाल क्या हो गई, अनुकूल जाना है, तो क्या जाना है अनुकूल जाना है, तो दोनों चाल प्लस हो जाएगी, 11 की अपनी चाल है और 7 जो है धारा की चाल है, 11 प्लस 7 करोगे तो 18 हो जाएगा, 18 × 3 = 54, 3 घंटा लग जाएगा, कितना लग जाएगा 3 घंटे का समय लग जाएगा। देख लीजिए सवाल, और ये एग्जाम का सवाल है, परीक्षा का, तो ऐसे भी सवाल बनते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसे ही बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं। अगला सवाल देखो, स्थिर जल में एक नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा के विपरीत चाल और अनुप्रवाह चाल के बीच का अंतर बता दो। अच्छा बताओ अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल चाल हो जाएगी 17 + 11, बोलो 17 + 11 ये अनुकूल चाल हो जाएगी, प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी 17 - 11, और इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा, कह रहा अनुकूल प्रवाह और अनुप्रवाह की चाल के बीच का अंतर बता दो भैया, 11 और ये कितना हुआ 28, ये कितना हुआ 6, है ना, कितना आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना अंतर आ गया, इनके बीच का अंतर है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अनुकूल चाल है ये प्रतिकूल चाल है, दोनों चालों का अंतर पूछा गया था 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं, देखा एक मोटर बोट धारा के विपरीत 48 किलोमीटर दूरी धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से एक घंटा अधिक समय में तय करती है, यदि नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में पानी की नाव बता दो। अरे एक घंटा ज़्यादा चल रहा ना, धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से एक घंटा अधिक समय में तय करता है, 48 किलोमीटर जाना, तो हम जो है शांत जल में नाव की चाल को x मान लेते, माना शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा,
मान लिया। तो जब 48 किलोमीटर दूरी को आप धारा के विपरीत जाओगे तो एक्स माइनस चार की चाल जाओगे, और वही 48 किलोमीटर धारा के साथ जाओगे एक्स प्लस चार जाओगे, और दोनों के बीच में एक घंटे का फासला है, यानी माइनस कर दे एक घंटा आना चाहिए। बस इसी को हल कर देना। हल करना देखो कैसे होगा, एक्स प्लस चार इधर चला जाएगा, एक्स माइनस चार, 48 कॉमन लेके उधर डाल देंगे, ये बनेगा एक्स प्लस चार माइनस एक्स और प्लस चार, कैसे ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अपान एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 1/48। बोलो अब अगर 1/48 होगा तो बन जाएगा द्विघात समीकरण, एक्सेस कट गया और द्विघात भी नहीं बन रहा भाई, वाओ देखो एक्स प्लस चार और माइनस एक्स प्लस चार, तो प्लस चार 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 16 और 48 कितना हो जाएगा, 8 से 14 चार एक पाँच पाँच छः, देखो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 48 × 8 कितना हो जाएगा, 48 × 8 हो जाएगा, नहीं 4 × 4 = 8, 8 का तिरछा गुणा करेंगे 48 × 8 तो गुणा करते हैं 8 × 28 = 64, 6 × 8 = 32, 6 × 38 और ये 16 उधर चला जाएगा, बताओ एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 16, तो बताओ एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक्स बराबर कितना हो गया 20, तो नाव की चाल कितना आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल कितनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्या किया, नाव की चाल को एक्स मान लिया, फिर एक इक्वेशन बनाया, इक्वेशन अपने आप कट गया, आपका उत्तर आपके पास। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारे पास है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के विपरीत अर्थात 28 किलोमीटर जाने में, तो धारा की चाल बता दो। धारा की चाल को एक्स मान लो, धारा की चाल को हमने एक्स मान लिया, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहे धारा के अनुकूल 35 जाना, 35 किलोमीटर जाना है धारा के अनुकूल, तो यानी 9 प्लस एक्स, और 28 किलोमीटर जाना धारा के विपरीत तो 9 माइनस एक्स, और कह रहे हैं दोनों समय बराबर, इत कह रहे हैं जितना समय लगता है उतना ही समय उधर भी लगता है, देख लो काटो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5, 4 से गुणा करें 4 × 9 = 36 प्लस 4x बराबर 5 × 9 = 45 माइनस 5x, अगर माइनस 5x मैं इधर लाऊं तो 9x हो जाएगा, और 36 उधर ले जाके घटाऊंगा तो 36 × 9 = 45 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा की चाल कितनी आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लगाने का तरीका देखो, सवाल जब आपके सामने होता है तब तो आप उसको कितना इजी वे में सोचते हैं है? ये इस पर निर्भर करता है। देखो भैया हमारे पास ये चैप्टर क्या नाम है, ये चल रहा है UPSI का बैच चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है ऑफलाइन चल रहा है, अगर आप इलाहाबाद क्षेत्र के अंदर हैं तो आप निश्चित रूप से आप इस पर संपर्क करके ऑफलाइन ज्वाइन करें, और अगर मान लीजिए इलाहाबाद से बाहर रह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए। इसमें होगा क्या कि जो कुछ चीज़ें हम लोग देना चाह रहे हैं वो सब आपको समय पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में 3.5 घंटे का समय लेती है, स्थिर जल में नाव की चाल बता दो। बताओ इसमें और कुछ बताया ही नहीं, कह रहे एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, तो अनुकूल चाल को एक्स मान ले और प्रतिकूल चाल को वाई मान ले, ऐसा रहेगा, उनके बीच का अनुपात मिल जाएगा, क्या हो जाएगा हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल मिल जाएगी। एक बार अगर रिज्यूम पढ़ लें, ए बोट टेक्स 2 hours टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, बट इट टेक्स 3.5 1/4 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो यहाँ पर दिया है, उसमें नहीं दिया, शायद नहीं दिया, देखो स्थिर जल में नाव की चाल नहीं दिया, देखो अगर स्थिर धारा की चाल देखो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल बता दो, सिंपल हो गया भाई, पूछो क्या करेंगे, इसमें 2 घंटा लग रहा इसमें 3.5 घंटा लग रहा और दूरी समान है, समान दूरी तय करना तो फिर वही कहानी आएगी, समान दूरी को हम एक्स मान लें, एक्स मानने की जरूरत क्या है कि नहीं, क्या मतलब, ऐसे सोच लो आप कि अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी हमारी,
अनुकूल चाल हो जाएगी हमारी। अगर इसकी चाल को करना है नाव की चाल पर, नाव की चाल को एक्स मानते, हमने नाव की चाल को एक्स मान लिया, तो जब हम एक्स प्लस पाँच की रफ्तार चलते हैं तो जो दूरी हम दो घंटे में तय कर लेते हैं वही दूरी को अगर हम एक्स माइनस पाँच की चाल चलते हैं तो हमें चार चे बारह एक तेरह बटे चार घंटा लगता है। दोनों बात बराबर देख रहे हो आप, अगर हम को अनुकूल चाल चलते हैं तो दो घंटे में जितना दूर जाते हैं, जब हम प्रतिकूल चाल चलते हैं तो वही दूरी तय करने में तेरह बटे चार घंटे लग जाते हैं। अभी चार यहाँ आएगा तो चार दूनी आठ हो जाएगा, आठ का अंदर गुणा करो आठ एक्स और प्लस आठ पच्चे चालीस बराबर तेरह एक्स माइनस तेरह पच्चे पैंसठ। अगर मैं आठ एक्स इधर ले जाऊँ तो आठ पाँच तेरह एक्स होता है और पैंसठ इधर लाऊँ तो जुड़ जाएगा पाँच और छः चार दस, बताओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा इक्कीस। तो नाव की चाल कितनी आ गई, 21 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लगाने का तरीका देख लो आप कैसे लगाया जा रहा, हमने डिस्टेंस ही नहीं फॉलो किया कुछ, हमने लिखा नहीं कितना डिस्टेंस, जितना उतना कहा था तो मैंने क्या किया जितना चलाया इससे उतना चला दिया उससे। अंग्रेजी भाषा जरूर पढ़ लिया करिए, देखिए यहाँ पर मिस्टेक मिल रही है। और देखा जाए स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा अनुप्रवाह में 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने के लिए गए समय का ढाई गुना 1.25 गुना है, तो 60 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना समय लगेगा। पहले हमें धारा की चाल निकालना होगा, हमने क्या करना धारा की चाल निकालना होगा। देखो भाई काहे हो रहा बदमाश, देखो हमने मान लिया धारा की चाल, धारा की चाल को हमने एक्स मान लिया और नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा पहले दिया, अनुप्रवाह गए हैं 35 किलोमीटर देखो 35 किलोमीटर गए हैं इस चाल से 10 प्लस एक्स की चाल से कितना समय लगेगा, और विपरीत गए हैं 14 किलोमीटर इस चाल से 10 माइनस एक्स की चाल से। क्या कह रहे हैं कि इसमें जो समय लग रहा है वो 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 1.5 गुना है, यानी इस समय का अगर हम 1.25 को हम 5 बटा 4 कह सकते हैं, 1.25 गुना है बटा 100 कर देंगे, दसमलव हटेगा तो 5 बटा 4 कर देंगे, यानी गुणा 5 बटा 4 कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। जैसे देखें एक स्थिर जाल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव द्वारा अनुप्रवाह में 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, 35 किलोमीटर जाने में इतना समय लिया जाएगा, विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा वाले समय का 1.25 गुना, इससे हमको क्या मिल जाएगा धारा की चाल मिल जाएगी, और धारा की चाल जब मिल जाएगी तो हम 60 किलोमीटर चले जाएंगे आराम से। आओ काटा जाए, अगर काटते हैं तो क्या मिलेगा हमको, कुछ कट सकता है बुरा ही है तो काट सकते हैं आप, सात से काटो, सात पच्चे पैंतीस, सात दूना चौदह, अब पाँच पाँच और कट जाएगा, बहुत सही। अब क्या होगा तिरछा गुड़ा, देखो तिरछा गुड़ा मैंने चार का गुड़ा इधर हो जाएगा हा? और दो का गुड़ा इधर हो जाएगा, दो का गुड़ा करें देखो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा एक बटा 10 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा, और दो से दो दूना चार कर सकते हो, ये हो जाएगा एक बटा 20 माइनस टू एक्स। अब तिरछा गुणा करो 10 प्लस एक्स बराबर, ध्यान से देखो 10 प्लस एक्स बराबर 20 माइनस टू एक्स, 20 माइनस टू एक्स, अब टू एक्स इधर लाओ 3x और 10 उधर ले जाओ तो 10 बचेगा, x बराबर आ गया 10 बटा 3 आ गया। अब बताओ इन्होंने कहा 60 किलोमीटर धारा के साथ जाना है, 60 किलोमीटर धारा के साथ जाना है, और चाल कितना होनी चाहिए, धारा नाव की चाल 10 है और धारा की चाल 10 बटा 3 है, 10 प्लस 10 बटा 3 चाल हो जाएगी, तो 3 दहाई में 30 और 10 40 बटा 3 चाल हो जाएगी, बताओ 40 बटा 3 चाल जाने में कितना समय लग जाएगा, 40 बटा 3 आप कर दोगे बटा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 20 या 60 20 दूना 40 9 बटा 2 घंटा लग जाएगा, 9 बटा 2 घंटा माने कितना होता है 4.5 घंटा। एक बार दोबारा देख लीजिए सवाल को, 35 किलोमीटर अनुकूल जाने में जितना समय लगता है 14 किलोमीटर प्रतिकूल जाने वाले समय का 5 बटा 4 गुना, बस इसको मैंने क्रॉस किया तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई 10 बटा 3। एक्स क्या थी, धारा की चाल थी। अब हमको अनुकूल जाना है तो नाव की चाल में मैंने धारा की चाल जोड़ लिया 40 बटा 3 आ गया, 40 बटा 3 चाल से 60 किलोमीटर जाना था कितना समय लग जाएगा, तो 4.5 घंटा लग जाएगा। आपके सामने सवाल था, आइए अगला प्रश्न देखें। सोचना, खाली सवाल को
पढ़ना है और उसको सोचना है कि कैसे हो सकता है, बस पढ़ गए तो काम हो गया। देखो एक मोटर नाव के धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 घंटे अधिक का समय लेती है। यदि नदी में धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बता दो। तो अब क्या करना है, नाव की चाल पहले निकालना पड़ेगा। अगर नाव की चाल निकल गई तो हम लोग विपरीत चाल चल देंगे आराम से। तो मैंने नाव की चाल को एक्स मान लिया, नाव की चाल को एक्स मान लिया। चलो 24 किलोमीटर चलते हैं अनुकूल। तो 24 किलोमीटर अगर हम अनुकूल चलेंगे, बताओ 24 किलोमीटर अगर अनुकूल चलेंगे तो हमारे पास नाव की चाल है एक्स और धारा की चाल है 2, एक्स प्लस 2 की चाल होगी। और अगर कितना किलोमीटर जाना, उतने ही समान दूरी को अनुकूल, समान दूरी तय करने के लिए 1 घंटा अधिक का समय लगेगा। यानी वही 24 को अगर मैं एक्स माइनस 2 से चलूं तो 1 घंटा अधिक समय लग जाएगा, इससे हमें नाव की चाल मिल जाएगी। फिर देखो इसी तरह का लगभग सवाल आ रहा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था, एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 1/24। एक्स यहाँ कर जाएगा, 24 चौका 96 ना, 2 2 4 और 96। देखो भैया क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 96 प्लस 4 प्लस 4 समझे, माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4। क्या एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 96 में 4 मिलाओगे 100, 100 का वर्गमूल निकालोगे 10, नाव की चाल 10 आ गई। अब इन्होंने कहा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बता दो। विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी भाई, 10 तो अपनी चाल है और 2 धारा की चाल घटा दो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत चाल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, विपरीत चाल, और अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। 10 अपनी चाल है, नाव की चाल 2 है, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक नाव 15 मिनट में धारा के विपरीत 5 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यदि स्थिर जल में नाव की चाल धारा की गति से अनुपात 6x है, 1 है, तो धारा के अनुकूल 19.6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगे, बताओ भैया। 5 किलोमीटर दूरी जाना है, 5 किलोमीटर की दूरी जाना है, किस चाल से जाना है, धारा के विपरीत जाना है, तो इनकी अनुपात है 6x है ना। देखो कैसा, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 6:1 है, इसको 6x मानते हैं, इसको 1x मानते हैं, और चूंकि विपरीत दिशा में जाना है तो 6x-5x हो जाएगा, 6x-1x हो जाएगा। ये लगाएगा समय, इतना घंटा लगना चाहिए, और ये कह रहे 15 मिनट लगता है, तो 15 मिनट माने क्या हो जाएगा, 15/60 काटो, काटोगे तो ये तो हो गया 1/4। अभी x की वैल्यू आ जाएगी, देखो क्या होगा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ नीचे 5x आ रहा, 5/5x बराबर 1/4, 5 5 कट गया, x बराबर 4 आ गया, क्या आ गया, x बराबर 4। अगर x बराबर 4 आ गया तो नाव की चाल क्या आ गई, नाव की चाल आ गई कितना, 6x थी ना, 6 चौक 24, और धारा की चाल क्या आ गई, 4। अब क्या बताना, धारा के अनुकूल 19.6 जाना, अनुकूल जाना है 19.6 जाना, 19.6 अनुकूल जाना है, तो 24+4 की चाल से जाओगे, अनुकूल चाल है ना, 24+4 की चाल जाओगे, 24 4 हो जाएगा 28, काटो 7 से कट रहा, 1 0 बढ़ा दें, 10 हट जाएगा, 7 चौके 28, 7 2 14, 7 8 56, 4 से और काट दो, 4 7 28 और 4 2 40, 7/10 घंटा, और 7/10 घंटा को आप मिनट बना लो, गुणा 60 कर दो, तो 10 से काट दो 6 आ गया, 6 7 42, कितना मिनट लग जाएगा, 42 मिनट का टाइम लग जाए। एक बार फिर से देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल लिया, मान लिया इनकी चाल 6x है, इनकी 1x है, हमको प्रतिकूल चाल जाना था तो मैंने 6x-x कर दिया, इससे हमको x की वैल्यू 4 मिल गई। जैसे x की वैल्यू 4 मिल गई तैसे दोनों चाल मिल गई, और दोनों चाल मिल गई तो 19.6 किलोमीटर हम चले गए आराम से, देख रहे, इसको अकेले लगाइएगा तो देखो मजा ही आएगा। फिर यदि स्थिर जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा। मैंने भाई 80 किलोमीटर जाना है आपको, 14 अपनी चाल है, 6 धारा की चाल है, 14 6 20 हो जाएगा, 20 की चाल से जाओगे 4 घंटे का समय लग जाएगा, कितना घंटा लग जाएगा, 4 घंटे, सही है। विपरीत जाते तो 14 में से 6 घटाया जाता, अनुकूल जा रहे हैं जोड़ना पड़ेगा,
अगला सवाल देखें। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विपरीत 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है, क्रमशः स्थान जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात बता दो। एक बात बताओ, अगर ये अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया है तो अगर आप दोनों जोड़ करके देखो 15 और प्लस 11 और बटा 2 करें और 15 माइनस 11 बटा 2 करें, इसी का अनुपात पूछा गया करो, तो 15 और 11 कितना होता है 26, 26 बटा 2 13 हो जाएगा, 15 में 11 घटाओ 4, 4 का बटा 2 करोगे तो 2 आएगा, कौन सा अनुपात आ गया 13:2 आ गया। यही पूछा गया था कि अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल से शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछा गया था। हमने कहा था जोड़कर आधा करोगे नाव की चाल आएगी, घटा के आधा करोगे धारा की चाल आएगी, दोनों के चाल का अनुपात आपके सामने है। अगला प्रश्न देखें, लिखा धारा के अनुकूल एक नाव की चाल धारा के विपरीत नाव की चाल की 2.5 गुनी है। अच्छा, यदि नाव द्वारा धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत समान दूरी जाने में 7 घंटे का समय लिया गया तो धारा के अनुकूल नाव की चाल बता दो। ये बढ़िया सवाल है। देखो भैया, अनुकूल नाव की चाल धारा के विपरीत चाल का 2.5 गुना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा अनुकूल चाल और यहाँ प्रतिकूल चाल, तो कह रहे हैं 2.5 गुना है, यानी इसका 2.5 गुना है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 5 है, 5x 2x मान लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं, यदि नाव द्वारा धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाना है, अनुकूल अगर 30 जाना है तो जोड़ोगे इसको, अनुकूल माने क्या है 5x की चाल जाओगे, और विपरीत समान दूरी जाना है वही 30 को हम 2x से जाएंगे, और टोटल ऐसा करने में 7 घंटे का समय लग रहा है, होगा क्या, इससे अभी हमको x की वैल्यू मिलने वाली है, जैसे x मिल जाएगी तो हमने अनुकूल चाल क्या कहा बाद में, तो धारा के अनुकूल नाव की चाल बता दो, तुरंत x की वैल्यू रख देंगे। आप समझ पा रहे हो, 30 किलोमीटर अनुकूल जा रहे हैं और 30 किलोमीटर प्रतिकूल जा रहे हैं और दोनों का कुल मिला के टाइम लग रहा है 7 घंटा, काटो 5×6=30 और 2 से काटो 15, तो 15×6=21 और बराबर 7×3=21 हो गया, x=3 आ गया। अगर x=3 आ गया तो अनुकूल चाल हो गई 15 और प्रतिकूल चाल आ गई 6। हमसे पूछा गया अनुकूल चाल बता दो, 15 बता देंगे। देख रहे हो आप सवाल, सवाल कैसा है, कितना कम एक्शन करके उत्तर आ रहा है, ध्यान से देखिए, लगाने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न देखें, और अब संपर्क करके आप कोचिंग से संपर्क करेंगे, आपको बताया जाएगा कि टाइम कितने बजे क्या चलता है, बहुत आराम से बिल्कुल बात कर लीजिए। अगला प्रश्न देखें क्या है, एक व्यक्ति 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 78 किलोमीटर नाव चला सकता है। अच्छा, धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में नाव द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा। अच्छा, स्थिर जल में नाव द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय कितने घंटे का, रिजिम पढ़ते हैं, ए मैन कैन रो अबाउट 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। अच्छा, 6 घंटे में दोनों कर लेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है, ऐसा तो नहीं कुल टाइम 6 घंटा है या 6-6 घंटा, दोनों समझना पड़ेगा। देखो, एक व्यक्ति 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 78 किलोमीटर नाव चला सकता, अब बताओ क्या करें, 6 घंटा और धारा की चाल 6 है, देखो कह रहा है धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति, वह स्थिर जल में नाव द्वारा 100 किलोमीटर दूर जाकर, अब मैं मान लेता हूँ कुल समय लगा होगा 6 घंटा, मान लें 6 घंटा, तो बताओ धारा के प्रतिकूल 42 किलोमीटर जाएंगे, नाव की चाल को x मान लेता हूँ, तो प्रतिकूल जाओगे तो x-6 चलोगे और 78 जाओगे x+6 चलोगे और बराबर समय कितना लगेगा 6 घंटा, इससे अभी नाव की चाल आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी, और करते हैं तो फिर वही कहानी है, इनको जोड़ा जाएगा कुल समय। देखो मैं इससे कर रहा हूँ, अगर मान लो अलग अलग समय होगा तो फिर से लगा देंगे। देखो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, 42 और 78 है, तो यहाँ पे संख्या क्या है, ऊपर की संख्या बराबर नहीं, ऊपर संख्या बराबर नहीं है, तो फिर पूरा हल करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, है कि नहीं, 78 गुणा, इसका मतलब ये है नहीं, काम करते हैं, है नहीं, 42 किलोमीटर गए थे कितना, x-6 की चाल से और 6 घंटा लगा, 6×7=42, x-6 ध्यान से देखो x-6=7 आ गया,
एक्स बराबर आ गया 13, एक्स माइनस 9 की चाल शांत जल में, ठीक है। अब शांत जल में अगर है तो मैं लगा के देखता हूँ स्थिर जल में नाव द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा। 13 से काटो, 13 सत्तर 91, 7 के विकल्प को 13 8 104 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा दूसरे वाले साल अनुकूल से चले, 78 जाना है एक्स प्लस 6 की चाल से, अब भी 6 घंटा लग रहा, 6 से इसको काटो, 6 6 6 18, एक्स प्लस 6 बराबर 13, यहाँ एक्स बराबर क्या हो गया 7 आ गया, गलत बात है ना, गलत बात है, इधर से तो आ नहीं सकता, उधर से हो जाएगा बड़ा, क्या करें लगा ही देते हैं, क्या करेंगे। देखो 42 किलोमीटर जाना है आपको एक्स माइनस 6 की चाल से, और 78 किलोमीटर जाना है आपको एक्स प्लस 6 की चाल से, और दोनों मिलाकर कुल समय लगा है 6 घंटा। अब जाके काम पूरा हो। अब इसमें दिक्कत कहाँ पे है, देखो क्या प्रॉब्लम आई थी कि जब आप इसका लघुत्तम लेते हैं इनका इनका गुणा होता है, हालांकि 6 से छोटा कर सकते हो आप, 6 1 6 और 6 से काट दो 13 और 6 से काट दो 7, अब सही है, थोड़ा आसान हो गया। देखो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36, ऊपर क्या हो जाएगा देखो 7x प्लस 7 6 42 माइनस 13x माइनस क्यों प्लस 13x और माइनस 13 6 78 और बराबर एक तो आएगा ही। अब अगर इसको हम हल करें क्या आएगा, 13 और 7 20x और फिर हो जाएगा माइनस 78 में से 42 घटाओ, 8 में से 2 घटाओ 6 और 7 में से 4 घटाओ 3 और बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36। पचहत्तर करो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये वैल्यू अगर इधर आएगी तो माइनस 36 माइनस 36 कट जाएगा। हाँ भैया देखो ये भी तो माइनस 36 आ रहा, इधर भी माइनस 36 आ रहा, तो माइनस 36 माइनस 36 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 20x, एक्स बराबर क्या आ गया 20। अगर एक्स बराबर 20 आ गया तो शांत जल में नाव की चाल आ गई, और शांत जल में नाव की चाल आ गई तो 100 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर शांत जल में जाना है 20 की चाल से, 1 घंटा लग जाएगा, 5 घंटा लग जाएगा। तो मैं इसको इसलिए नहीं कर रहा था, 5 कहाँ है, कि मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा है, हो सकता है जब छोटे छोटे सवाल चल रहे थे तो हो सकता है कि ये भी छोटा रहा हो, कोई बात नहीं, इन्होंने लिखा है कुल समय 6 घंटा लगा, यही सही तरीका है। आपको पता चल गया कि एक्स की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल मिल गई, 100 किलोमीटर जाना है, आराम से चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक नाव धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर 2 घंटे में जा सकती, एक धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर 2 घंटे 50 मिनट में जा सकती, धारा के अनुकूल जाते समय नाव की चाल बता दो। अब देखो क्या है, हम लोग क्या करेंगे, अनुकूल चाल को x मान लेते हैं और प्रतिकूल चाल को y मान लेते हैं। देखो अनुकूल अनुकूल चाल को हम लोग x मान ले रहे हैं और प्रतिकूल चाल को y मान ले रहे हैं, फायदा क्या मिला देखो, दो समीकरण बन जाएगा, 15 किलोमीटर अनुकूल चलोगे x की चाल से और 8 किलोमीटर विपरीत चलोगे y की चाल से, दोनों जोड़ने पर समय लग रहा है 2 घंटे। फिर से देखो अनुकूल चल रहे हो 20 की चाल से और प्रतिकूल चल रहे हो 12 और अब की बार लग रहा है 2 घंटा 50 मिनट, 2 घंटा 50 मिनट को आप ऐसे लिख सकते हो 6 × 12 = 17/6। बस अब इसको हल करना, दोनों में से किसी एक को निकालना पड़ेगा। देखो 15-20 का अगर हम लोग उत्तम लेते हैं ज़्यादा होगा, 12-8 का लोग उत्तम लेते हैं 24 सही रहेगा, तो इस संख्या में हमें 3 से गुणा करना चाहिए तब 24 होगा, इस संख्या में 2 से गुणा करना तब 24 होगा, चलो 3 से गुणा करें तो 15 × 45/x और प्लस 3 8 = 24/y बराबर 6। अब यहाँ 2 से गुणा करो 40/x और प्लस 24/y बराबर 2 × 6 = 17/3। अगर मैं इसको घटाता हूँ ये तो गया, 45 में से 40 घटाओगे 5x आ जाएगा, देखो 5/x और बराबर इसमें से इसको घटाओ तो 18 में से 17 घटाओ 1/3 आ जाएगा, तो x बराबर आ गया 15। अगर x बराबर 15 आ गया तो 15 काटोगे
15 उधर जाएगा, एक बचेगा, तो वाई बराबर 8 आ जाएगा, दोनों मिल गया। अब बताना क्या है, धारा के अनुकूल जाते समय नाव की चाल क्या है? अनुकूल तो 15 है भाई, ये रहा, हमने तो प्रतिकूल भी बता दिया वाई 8। देख लो कैसा सवाल लगाया, इसमें क्या हुआ है कि दो चरों का रैखिक समीकरण बना दिया। अगर इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाहता तो बड़ा हो सकता था, कैसे? हम नाव की चाल को एक्स मान लेते, धारा की चाल को वाई मान लेते। यहाँ जहाँ केवल एक्स लिखा हूँ, यहाँ मैं एक्स प्लस वाई लिखता, यहाँ एक्स माइनस वाई लिखता, तो थोड़ा देखने में और बड़ा हो जाता। हमको जरूरत नहीं इतना बड़ा सवाल करने की। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, एक करके छोड़ दिया तो अंग्रेजी पढ़ा जा। स्पीड ऑफ ए बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। इट गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन अ टोटल टाइम 6 होल नंबर 657। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। देखो बोट की चाल है 12 और धारा की चाल नहीं पता, धारा को एक्स मान लेता हूँ, धारा को मैंने एक्स मान लिया। अब हुआ क्या कि भैया गए कहाँ, 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए, 18 किलोमीटर गए हैं, किस चाल से गए? नाव की चाल तो 12 है, 12 में एक्स जोड़ दो क्योंकि अनुकूल गए हैं, गोज 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये जाएंगे किस चाल से, 12 की चाल है इनकी, 12 प्लस एक्स की चाल जाएंगे और लौटेंगे। एंड कम्स बैक, बैक माने वापस आ गए 18 किलोमीटर, कितना लगा 12 माइनस एक्स गए होंगे अब की बार, अब की कैसे आए होंगे, 12 माइनस एक्स की चाल से आए होंगे। और कुल समय टोटल टाइम कितना लग गया इनके पास, 6 7 42 और 6 48/7, बताइए 6 से 6/7 माने क्या होगा, 7 6 42 पहले 6 48/7 घंटा लग। तो अभी हमको धारा की चाल यहीं से मिल जाएगी, कुछ काट सकते हैं, काट सकते हैं, 6 से काट देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 6 3 18 6 3 18 6 8 48 सही। और देखा जाए ऊपर जाएगा 12 माइनस एक्स, हाँ 3 तो मैं ले जाऊंगा उधर, 12 माइनस एक्स जाने दो, 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स अपान 144 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो 144 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ पा रहे हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा 8/7 21, ये आ गया। अब अगर हम देखें एक्स को यहाँ से मैं हटा सकता हूँ, आओ देखा जाए अब क्या हो सकता है, 12 बार 24 हो जाएगा। अगर ये 24 हो गया, ध्यान से देखो, 12 बार 24 हो गया, 8 से कट जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा और 21 3 63 हो जाएगा। अब ऐसे हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 63 हो जाएगा, और पहले 63 12 बार 24 हुआ था, फिर 8 से मैंने 24 को काट दिया, 3 आ गया और उस 3 का 21 से गुणा करेंगे 63 हो जाएगा, 144 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 63, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 माइनस 63, घटाओ 4 में से 3 घटाओ 1, 14 में से 6 घटाओ 8, एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो एक्स बराबर क्या है, एक्स धारा की चाल, यही तो पूछा गया था, यही पूछा गया था, धारा की चाल बता दो, तो धारा की चाल आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे हैं आप लगाने का तरीका, 18 किलोमीटर अनुकूल गए थे, 18 किलोमीटर प्रतिकूल गए थे, कुल टाइम लगा था 48/7। आराम से आपका उत्तर आपके पास है। अगला सवाल देखें, एक आदमी स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समान दूरी के लिए धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं, तो दूरी बता दो भाई, 1 किलोमीटर रही होगी दूरी, हमने दूरी को एक्स मान लिया, एक्स जब हम गए हैं किस चाल से गए होंगे, कहने धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में चाल 5 है, ठीक है, समान दूरी धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल पहले जाते, धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो कौन सी चाल हो जाएगी, 5 में से 2.5 घटाओगे 2.5 आ जाएगा, 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2, 5/2 के 2 यहाँ हो जाएगा और वही 1 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाएंगे, अनुकूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2.5 हो जाएगा, 5 प्लस 2.5 कितना होता है 7.5, 7.5 को आप 15/2 कह सकते हैं, ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। अब क्या हुआ कि 4 घंटे अधिक लगते, अगर मैं इसको घटा दूं तो यहाँ 4 आना चाहिए, तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर लेंगे ना, 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, तो 6x में से 2x घटाएंगे 4x/15 = 4, 4 4 कट जाएगा, x = 15 आ जाएगा।
15 किलोमीटर दूरी, यही तो पूछा गया। देख लो कैलकुलेशन, देखो जरा इस सवाल को पढ़िए और कैलकुलेशन को देखिए, देखिए कितना छोटा काम हुआ है। अगर आप इस पर अभ्यास करें तो कितने आसानी से इसे आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, सुनील एक नाव को धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर 1 घंटे 15 मिनट पार कर सकता है। यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग जाएगा। भाई पहले हम नाव की चाल निकाल दें, क्योंकि नाव की चाल दिया नहीं, नाव की चाल को हमने यक्ष मान लिया। ठीक है, धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर जा रहे हो तो नाव की चाल एक से धारा की चाल दो है, तो एक्स माइनस दो की चाल से गए होंगे। टाइम कितना लगा, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट माने क्या होता, 15 के 15 5 4 5 बटा 4 कितना लग गया, 5 बटा 4 लगता। यहीं से भी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी फटाक से। देखो 5 चौके 20, 4 चौके 16, एक्स माइनस दो बराबर 16, एक्स बराबर क्या है 18। अब क्या चाहिए, धारा के अनुकूल 30 जाना है। भाई धारा के अनुकूल 30 जाना है, 18 इनकी अपनी चाल है और धारा की चाल 2 है, 18 दो 20 हो जाएगा। तो 20 की चाल जाओगे तो 3/2 घंटा यानी 1.5 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट। कितना, 1 घंटा 30 मिनट लग जाएगा। लगाने का तरीका देखो, आप 20 किलोमीटर गए हैं एक्स माइनस दो की चाल से, 5/4 घंटा लगा, इसे एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू जैसे आ गई तैसे हमने डाल दिया 3/2 घंटा। 3/2 घंटा मतलब होता है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा माने 1/30, 1 घंटा 30 मिनट। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल सकती है। धारा गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 88 जाने में और धारा के प्रतिकूल 24 जाने में कितना समय लग जाएगा। भाई धारा के अनुकूल 88 जाओगे मेरे भाई है? तो 19 तो अपनी चाल है और धारा के 3 है तो 19 और 3 कितना हो जाएगा, 22। बोलो तो कई घंटा लग जाएगा, 4 घंटा। और प्रतिकूल 24 जाओगे तो 19 में से 3 घटा दो, 16, 8 3 24, 8 2 16, 1.5 घंटा यहाँ लग जाएगा, 4 घंटा यहाँ लग जाएगा, 1.5 घंटा वहाँ लग जाएगा, 5.5 घंटा लग जाएगा। बोलो 4 घंटा यहाँ जाने में लग जाएगा और 1.5 घंटा आने में लग जाएगा, 4 घंटा और 1.5 घंटा कितना हो गया भैया, 5.5 घंटा। देखो जरा सवाल क्या है, कैसे सोचा जा रहा, सारा मुद्दा वही है, लगाने में बहुत समय नहीं लगना। एक नाव धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है, ठीक है, धारा के विपरीत चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे जल में नाव की चाल बता दो। नाव की चाल बताना है, दोनों जोड़ के आधा कर दो बस, 48 + 32 / 2, 8 2 10, 4 3 7 1 8, 40 की चाल आ गई भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस नाव की चाल निकालना है, अनुकूल चाल दिया है, प्रतिकूल चाल दिया है, दोनों जोड़ के आधा कर दो बस। अगर धारा चाल पूछा गया होता तब देते, हटा के आधा कर देते। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर दूरी तय करना है, बिल्कुल आराम से चलेगी। देखो भाई 21 किलोमीटर प्रतिकूल जाना है, 4 धारा की चाल है और 11 नाव की चाल, 11 में से 4 घटाओ, 9 नहीं भाई 7, 3 घंटा लगेगा। और 45 किलोमीटर अनुकूल जाना है, 11 और 4 15, 3 घंटा यहाँ भी लग जाएगा, उस समय कई घंटा लग जाएगा, 6 घंटा लग जाएगा। सवाल देखो आप, देख रहे ये है सवाल। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक नाव की धारा की अनुकूल गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, अनुकूल गति है और धारा 3, ठीक है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा। तो अब बताओ, अगर नाव द्वारा 100 किलोमीटर अनुकूल जाओगे तो अनुकूल गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 घंटा लग जाएगा। अब प्रतिकूल 57 जाना चाहते हो तो क्या करो, तो अनुकूल गति अगर 25 है और 3 तो उसमें धारा है तो 25 निकाल दो, 25 में 3 निकाल लो, 22 हो जाएगा। बाप रे, फ्रैक्शन में आ रहा है। देखो धारा गति 3 है, धारा एक नाव की धारा के अनुकूल गति 25 है, अनुकूल माने क्या हुआ, जिसमें धारा गति शामिल है, ठीक है, तो ठीक है 3 घटाओगे बल्कि 6 घटाना पड़ेगा, ओके, तो 19 आ जाएगा। ओके ओके, ऐसे अगर 25 में से आप 3 घटाते हो ये पता चल जाएगा 22 तो नाव की चाल आ गई, लेकिन जब हम प्रतिकूल चलेंगे तो 3 और माइनस होगा, नदी विरोध भी तो करेगी, तो कितना हो जाएगा 19 आएगा, तो 19 3 57, 3 घंटा यहाँ भी लग जाएगा, 4 घंटा यहाँ, 3 घंटा वहाँ, टोटल 7 घंटे का टाइम लग जाएगा। देख रहे विनोद क्या हो रहा है,
सवाल के साथ। एक आदमी एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल नाव द्वारा 9 घंटे में तय करता है, जबकि समान दूरी को धारा के विपरीत तय करने में उसे 18 घंटे लगते हैं। तो स्थिर जल में नाव समान दूरी का 3/5 भाग कितने समय में तय कर लेगा? अच्छा बताओ, एक निश्चित दूरी कह रहे अनुकूल तय करने में 9 घंटे लगता, यानी अगर वो है एक्स प्लस वाई चलता है तब 9 घंटे लगता, और अगर वो एक्स माइनस वाई चलता है तब 18 घंटा लगता। बात तो बराबर, एक्स वाई का रेशियो मिल जाएगा। देखो, निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल नाव द्वारा चले तो 9 घंटा में चलता, एक्स प्लस वाई चलते 9 घंटा लगेगा, और समान दूरी को धारा के विपरीत चलता है तो 18 घंटे लगता। तो स्थिर जल में समान दूरी का 3/5, तो चलो पहले एक्स वाई निकाल दिया जाए, तो क्या करेंगे 9 × 2 = 18, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 2x - 2y, क्या हो जाएगा एक्स बराबर 3y, एक्स बटा वाई बराबर क्या हो जाएगा 3/1, यानी नाव की चाल 3 है तो धारा की चाल 1। अब क्या करें, अब देखो अगर ये दोनों की चाल ये है तो समान दूरी माने कितना दूरी, अनुकूल चाल चले हैं तो 9 घंटा लगा था, अनुकूल चाल चलोगे तो दोनों जुड़ेगा 3 × 1 = 4, 4 × 9 = 36 किलोमीटर हो गया। बोलो छत्तीस समझ पाए, जब अनुकूल चलोगे तो एक्स प्लस वाई करोगे तो 3 + 1 = 4 हो जाएगा, तो 4 × 9 करोगे तो टोटल दूरी हो गई 36 किलोमीटर, और 36 किलोमीटर दूरी को पूरा नहीं चला, समान दूरी का 3/5 चलना है। बापरे, 3/5, इसका 3/5 दूरी ये हो गई। अभी इस दूरी को कैच करना, स्थिर जल में चलना तो 3 के भाव से चलना, और 3 कर जाएगा, 5 से काटो, 5 × 7 = 35, 7.2 घंटे भी लग जाएगा। देखो समान दूरी स्थिर चाल से चलोगे तो 3 की चाल हुई ना, 3 की चाल से काट दो, 3 कट जाएगा, 36/5 कितना हो गया 7.2 घंटे लग जाएंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, स्थिर जल में एक मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वो धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर की यात्रा करती है, अच्छा, और फिर प्रारंभिक बिंदु लौट आती है, यदि चक्कर लगाने में कुल 16 घंटे लगे तब नदी के प्रवाह की गति क्या है, एक्स होगी। देखो 150 किलोमीटर भाई साहब गए हैं, और स्थिर जल में 20 है तो 20 + x की चाल से गए होंगे, और लौटे होंगे 150, तो 20 - x की चाल से लौटे होंगे, और कुल समय कितना लग गया 16 घंटा लग गया, ये तो सवाल है। तो क्या हो गया, तब नदी के प्रवाह की चाल क्या है, धारा की चाल बताना है नहीं, एक्स की चाल बता देना। काटो, कुछ कटवट रहा है, नहीं कट रहा, देखा जाएगा। ये हो जाएगा 20 - x और प्लस 20 + x और बटा 400 - x² बराबर 16/150, काटना, काटो, एक्सएस हो गया 40 आ जाएगा। एक बार दोबारा लिख दूँ तो थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा, देखो ये हो गया 40/400 - x² और बराबर 16/150, तो काटते हैं जब आप इसको तो 8 × 40 और 8 × 2 = 16, और 2 से आप इसको काट सकते हैं 75 आ जाएगा। बताओ तो कितना हो गया 400 - x² बराबर क्या 75 × 5 करें तो 5 × 25 = 2, 5 × 7 = 35, 2 = 37, अगर मैं 1² उधर ले जाऊं 375 इधर लाऊं तो 1² = 25 आ जाएगा, 1 = क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारे पास आखिरी सवाल है ये, एक नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में और धारा के अनुकूल 45 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, नाव और धारा गति का अनुपात बता दो। देखो एक को हम एक्स मान लेते, एक को वाई मान लेते, अनुकूल चाल को एक्स मान लेते, तो अनुकूल एक्स वाई, चूंकि एक्स वाई ही रहने दें, चलो अनुपात निकालना एक्स वाई मान ले, तो नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल को हमने एक्स मान लिया और धारा की चाल को हमने वाई मान लिया। अब क्या करें, एक नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में और प्रतिकूल 45 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है, अच्छा तो 12 किलोमीटर भाई साहब को अगर प्रतिकूल जाना होता है तो एक्स माइनस वाई चाल से जाते हैं और 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में, अच्छा अनुकूल जाना है 12 किलोमीटर दूरी तय करती और धारा था तो वही 12 किलोमीटर इनको अनुकूल जाना है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई की चाल जाएंगे,
ऐसा करने में डिफरेंस कितना रहा, ऐसे 1 घंटा लग रहा, ऐसे 45 मिनट लग रहा, 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा। माइनस कर दो, 15 मिनट माने होता है 15/60 यानी 1/4 आ जाएगा। हल करें, अभी अनुपात मिल जाएगा आपका, ऐसे मिल जाएगा, देखो ये 12 में उधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स और प्लस वाई अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1/48। यहाँ पे क्या हुआ, y कट गया आपका, नहीं x कट गया, ठीक है ये बन गया। तो मैंने उलझा दिया सवाल को, है ये बन जाएगा कि 48y बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 × 96y हो जाएगा, और 96y होगा तो कटेगा ही नहीं, ये रास्ता नहीं ठीक है, रास्ता बदलो फटाक से। अंग्रेजी में पढ़ा जाए, देखो ए बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 1 आवर स्टीम, 1 घंटा में जाती और इन 45 मिनट डाउन स्ट्रीम जाती तो 45 मिनट जाती, ठीक है 12 किलोमीटर का मामला, ठीक है। तो भैया 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर से जाना तो मतलब ही नहीं, बताओ कैसे नहीं मतलब, हमको क्या बताना था, अनुपात बता देना, देखो गति धारा का गति, हमको 12 किलोमीटर मतलब क्या है, कोई दूरी हो, अगर हम x प्लस वाई से जाते हैं ध्यान से देखो तब हमें लगता है 60 मिनट, और अगर हम x माइनस वाई से जाते हैं x प्लस वाई 60 मिनट नहीं, x प्लस वाई से 45 मिनट लगता, अगर x माइनस वाई जाते तब 60 मिनट लगता, बात बराबर, 12 किलोमीटर का कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। देखो अब छोटा करो तो ये हो जाएगा 15 × 60 15 × 3 = 45 गुणा करो 3x और प्लस 3y बराबर 4x माइनस 4y। अगर मैं 3x इधर ले जाऊं और 4y इधर ले जाऊं तो x/y बराबर क्या हो जाएगा 7/1 है, 7/1 यानी 14/2 देख रहे हो 7/1 हमारा अनुपात आया, यहाँ क्या लिख रखा है 14:2, आराम से 14:2 आप कह सकते, देख लिया आपने। तो क्या किया हमने, 12 को हटा ही दिया, कोई मतलब ही नहीं था, समान दूरी है ना, समान दूरी है तो कोई मतलब ही नहीं। तो हमने मान लिया x प्लस 2y दूरी से यानी अनुकूल चाल जब चलते हो तो 45 मिनट में जितना दूर जाओगे प्रतिकूल जाओगे तो 60 मिनट में जाओगे, काट दो आराम से। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सवाल थे, एक भी सवाल शुरुआत वाले अगर मान लो 25 सवाल में से मुश्किल से 5 सवाल ऐसे थे जो एकदम सीजी थे, कुछ करना ही नहीं था, लेकिन 20 सवाल ऐसे थे जो थोड़ा थोड़ा कुछ सोचना था, है कि नहीं। एक बार जरूर अभ्यास करिएगा, मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।